बहुत दुख दुख की बात है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही दुख की बात है। फिल्म के अंत में अपना जो रॉकिंग स्टार यश है वो मर जाता है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, नाम तो सुना ही होगा, पवन द यूट्यूबर, पवन द यूट्यूबर। दोस्तों आज मैं आया हूँ KGF चैप्टर 2 देखने के लिए, और जो पिक्चर का जो टिकट का जो बुकिंग है दोस्तों बस थोड़ी देर में चालू हो जाएगा, और मैं पिक्चर देखने के बाद आप लोगों को बताऊँगा कि पिक्चर मुझे कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, पिक्चर का टिकट बुकिंग चालू हो गया दोस्तों, अब मैं टिकट बुकिंग करवाऊँगा। 110 रुपये टिकट है बालकनी का, आप लोग देख ही सकते हो, 110 रुपये टिकट है बालकनी का, और जस्ट थोड़ी देर में मुझे टिकट मिल जाएगा। पिक्चर कितना हाउसफुल है भाइयों, देख लो पूरा भीड़ ही भीड़ है। फाइनली पिक्चर देख के निकल गया हूँ भाइयों, जस्ट अभी निकला हूँ पिक्चर देख के, 2 बजे वाला जो शो है वो जस्ट देख के निकला हूँ, और अभी जो 2:30 बजे से जो 5:30 बजे वाला जो शो है वो हाउसफुल हो गया, देख ही सकते हो, गेट बंद हो गया। ठीक है, हाउसफुल हो गया जो सेकंड शो है। हाँ तो फाइनली दोस्तों मैंने KGF चैप्टर 2 देख लिया है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फिल्म में सबसे ख़राब बातें क्या थी और सबसे अच्छी बातें क्या थी। तो फिल्म में सबसे जो ख़राब बात थी, नंबर 1, फिल्म में जो हीरो है हमारा, जो प्यारा यश है, रॉकिंग स्टार यश, वो मर जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो रॉकिंग स्टार यश है वो फिल्म के आखिर में मर जाता है। और फिल्म की दूसरी सबसे जो ख़राब बात है वो ये है कि संजय दत्त साहब का जो रोल है, विलन का जो रोल है, वो बहुत ही कमज़ोर लगा दोस्तों मुझे। मुझे इतना पावरफुल विलन नहीं लगा संजय दत्त का जो रोल था, वो ऐसा लगा जैसे यश के सामने वो बहुत कमज़ोर लग रहे थे, जो संजय दत्त साहब का जो रोल है। और संजय दत्त साहब की जो उम्र भी हो चुकी है, वो जब एक्शन सीन आता है ना दोस्तों, तो उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। संजय दत्त साहब जो है वो जब एक्शन सीन आ रहा था ना, तो अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शायद उनकी उम्र भी हो चुकी है, इस वजह से वो काफ़ी बूढ़े भी हो गए हैं, इस वजह से वो ढंग से नहीं कर पा रहे थे। और मुझे हीरो के मुकाबले जो विलेन का जो रोल था वो बहुत ही कमज़ोर लगा दोस्तों। ये फिल्म की दूसरी सबसे ख़राब बात है दोस्तों। KGF चैप्टर 2 की तीसरी सबसे ख़राब बात, फिल्म बहुत ज़्यादा लंबी है दोस्तों, 3 घंटे की पिक्चर है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा लंबी है और कई जगहों पर तो बहुत बोर करती है। ठीक है, और चौथी सबसे ख़राब बात वो ये है दोस्तों कि फिल्म का जो म्यूज़िक है वो बहुत ही कमज़ोर है। फिल्म का जो सबसे वीक पॉइंट है वो फिल्म का म्यूज़िक है, बहुत ही ख़राब म्यूज़िक है दोस्तों, उतना अच्छा नहीं लगता। जब आप फिल्म देख के निकलते हो तो फिल्म का कोई भी गाना आपको याद नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, KGF चैप्टर 2 की सबसे अच्छी बात, पॉइंट नंबर 1, फिल्म का जो डायलॉग है, फिल्म में जो डायलॉग बाजी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। फिल्म में एक डायलॉग है जो कि अपना जो रॉकिंग स्टार यश है वो बोलता है कि मेरी दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरी दुश्मनी झेल सकती ऐसी कोई तलवार नहीं। ये ज़बरदस्त डायलॉग है दोस्तों, और फिल्म में डायलॉग बाजी बहुत ही ज़बरदस्त है, ओवर द टॉप डायलॉग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, KGF चैप्टर 2 फिल्म की दूसरी सबसे अच्छी बात, फिल्म के कलाकारों ने जो परफॉर्मेंस दी है, जो एक्टिंग की है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। खासकर अपना जो रॉकिंग स्टार यश है और रवीना मैम है और संजय दत्त साहब है, इनकी जो परफॉर्मेंस है, जो एक्टिंग है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। और मेरी तरफ से तो इस फिल्म को ओके है और थम्सअप है, आप लोग जाके देख सकते हो, और लेकिन सिर्फ एक बार देखने लायक है दोस्तों। आप ऐसा नहीं कि 2 बार देख लिए, 4 बार देख लिए, 5 बार देख लिए, ऐसा नहीं है, आप सिर्फ इस फिल्म को एक बार देख सकते हो। मेरी तरफ से तो ये फिल्म एक बार देखने लायक है, क्योंकि इसका जो पहला पार्ट था वो 2018 में आया था, और 2018 के बाद साथ 3-4 साल बाद इसका जो दूसरा पार्ट आया है, तो आप देख सकते हो, एक बार देख सकते हो, लेकिन दूसरी बार देखने लायक नहीं है दोस्तों। दूसरी बार आप जाओगे तो फिर झेल नहीं पाओगे, इस टाइप की है।
तो ओवर द टॉप ये फिल्म अच्छी है और मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार। आप इस फिल्म को एक बार देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ठीक है, पंजाब से देख रहे हो, दिल्ली से देख रहे हो, मुंबई से देख रहे हो या फिर राजस्थान से देख रहे हो, जहाँ कहीं से भी देख रहे हो दोस्तों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस बात को लिखा करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें।